हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर सेफ। सो गाइस, माई सेल्फ अस्सा त्रिपाठी, और आज के वीडियो हम लोग बहुत ही फ्रेश कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि है IIM रोहतक BBA LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 5 ईयर्स का। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम किस बारे में डिस्कस करने वाले, पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है। तो इसके BBA LLB का जितना भी एडमिशन क्राइटेरिया है, इसके फ़ीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल्स, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर फिर भी किसी बच्चों को डाउट आता है ना, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चंस को लिया जाएगा और आपका रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज होंगे कि IPL प्रोग्राम है क्या, क्योंकि ये अभी एकदम नया है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे इसके बारे में। चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि IPL प्रोग्राम एक्चुअली में है क्या। सो IIM रोहतक इंट्रोड्यूस 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ IPL फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 12th। तो यहाँ पे क्लास 12th वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है कि वो इसके 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ 5 ईयर्स, दी पार्टिसिपेंट विल बी अवार्डेड विद इंटीग्रेटेड डिग्री ऑफ BBA प्लस LLB, ठीक है। मतलब आपको बिजनेस के साथ साथ अगर लॉ में भी इंटरेस्ट है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होने वाली है। तो बेसिकली फर्स्ट हम जनरल वाले के लिए डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जनरल NC OBC एंड EWS कैटेगरी को बेसिकली मिनिमम 60% होनी चाहिए उनके क्लास 10th में और 12th में। एज आपकी मैक्सिमम 20 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन July 31, 2021 गाइज, ओके। देन सेकेंड है आपका SC ST PWD कैटेगरी के लिए, इसमें आपको मिनिमम 55% होनी चाहिए आपके 10th में और 12th में, और एज का मैक्सिमम 20 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन July 31, 2021, ठीक है। तो परसेंटेज के इसमें आपको थोड़ा सा SC ST एंड PWD वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को स्टेज फर्स्ट तो पता ही होगा, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है। जो क्राइटेरिया मैंने बताई, अगर आप एलिजिबल हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। देन सेकेंड, स्टूडेंट्स फॉर द एडमिशन टू दी प्रोग्राम विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन, क्लैट दैट इज़ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो आपके क्लैट के एग्जामिनेशन बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा गाइज। देन थर्ड वन इज़ द एलिजिबल एप्लीकेंट्स विल बी पे नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी, आपकी कितनी है इस कोर्स के लिए, 3890, ओके। देन अब हम आते हैं स्टेज टू पे। तो स्टेज टू आपका बेसिकली आपको कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, दी शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर दी ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एकेडमिक एंड क्लैट स्कोर ऑफ 2021। तो अभी किस क्लैट का और आपके पास्ट अकेडमिक का कितने बेटेज हैं, आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दी अनाउंसमेंट ऑफ कॉल फॉर ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू विल बी अनाउंस्ड सून, तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है बट बहुत जल्दी अनाउंस किया जाएगा। जैसे ही अनाउंस होगा मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, आप लोग को, ताकि अपडेट मिल जाए। देन थर्ड वन इज़ द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग देयर पर्सनल इंटरव्यू विल बी एवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक जनरल अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स गाइस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि आपके एकेडमिक्स, आपके जनरल अवेयरनेस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी वहाँ पर देखी जाएगी, ओके। देन फोर्थ वन इज़ द शेड्यूल फॉर ऑनलाइन इंटरव्यूज़ विल बी अनाउंस्ड सो ना। अब हम आते हैं इसके स्कोर के वेटेज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्लैट एग्जामिनेशन है उसका 45% वेटेज है, देन पर्सनल इंटरव्यू का आपका 15% वेटेज है, उसके बाद आपके जो पास्ट एकेडमिक है मतलब 10th और 12th उसका 40% वेटेज है। तो ये सारी वेटेज हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर हाई है, ठीक है, ये सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है, और बच्चे भी को भी बेसिकली हाई तो है ही, ठीक है। तो चलिए हम आपको फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर का आपका 6 लाख है, देन सेकेंड ईयर का 6 लाख, थर्ड ईयर का भी 6 लाख है, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर का भी, ठीक है। तो अप्रॉक्स आपको यहाँ पे बेसिकली 30 लाख के पास पास आपको पे करना पड़ेगा गाइस, ओके। हाँ, तो ये कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है। या अब हॉस्टल्स बेसिकली आप लोग को पता ही है, वहाँ कैंपस तो IIM रोहतक का बहुत ही अच्छा है, ठीक है, वहाँ के इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छे हैं। सो बेसिकली इट विल बी अ नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम एट IIM रोहतक गुरुग्राम कैंपस, बट ड्यू टू COVID-19 दी प्रोग्राम मे बी हेल्ड इनिशियली फॉर अ सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन इन रोहतक कैंपस, ओके।
तो ये चांसेस हैं। एंड हॉस्टल मेस फैसिलिटीज शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द रिक्वेस्ट बेसिस, आपके रिक्वेस्ट बेसिस पे ये प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अब कुछ डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ये डेट्स अभी बस कंसीडर की गई हैं, ठीक है, कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है, बट हाँ चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसके आसपास ही रहेंगी चीज़ें। सो आपका ऑनलाइन एप्लीकेंट्स ओपन हुआ था बेसिकली मार्च 16, 2021 को। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन July 30, 2021। अनाउंसमेंट ऑफ कॉल फॉर ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू टू बी अनाउंस्ड, एंड ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू मैंने इसको बता ही दिया गया है, टू बी अनाउंस्ड। एंड अनाउंसमेंट ऑफ सिलेक्शन लिस्ट टू बी अनाउंस्ड, ये भी है। आपके अकेडमिक सीजन बिगन होगा 3rd week of September 2021 गाइज। ओके सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।